कांग्रेस के लिए ये दौर भारी मुश्किलों वाला कहा जा सकता है। एक तरफ जहां नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले राज्यों में सरकारें धड़ाम हो रही है। अब केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री वी नारायण सामी आज अपना बहुमत साबित करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद वो अपने विधायकों के साथ सदन में वॉकआउट कर गए। फिलहाल वो कुछ देर में इस्तीफा देने वाले हैं। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में उन्होंने कहा था कि पूर्व LG किरण बेदी और केंद्र सरकार ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की। मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने कहा है कि अगर हमारे विधायक हमारे साथ होते हैं तो 5 साल सरकार जरूर चलती। CM नारायण सामी कहते हैं, हमने द्रमुक और निर्दलीय विधायकों के साथ समर्थन से सरकार चलाई। इसके बाद हमने कई चुनाव देखे, साथ ही सभी उपचुनाव में हमने जीत भी दर्ज की। वैसे एक बात तो साफ हो चुकी है कि पांडुचेरी के लोग का हम पर भरोसा है। हाल ही में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार पर संकट के बादल गहरा गए थे। इसके बाद उपराज्यपाल तमिलीसाई सौंदरारंजन ने सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा था। जी हां, प्रोटेस्ट से एक दिन पहले ही रविवार को कांग्रेस और गठबंधन में शामिल DMK के एक एक विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया और इस कारण नारायण सामी सरकार अल्पमत में आ गई थी। फिलहाल अब आने वाले दिनों में इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो देखना होगा कि कांग्रेस को क्या एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने का मौका मिल पाएगा। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।